सबसे इजी और क्विक रेसिपी है सैंडविच की। तो जो आज हम सैंडविच सीखने वाले हैं वो है कैफे स्टाइल पनीर टिक्का ग्रिल्ड सैंडविच। ऋतुज मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए मैंने दही में से जो है पानी निकाल लिया है, उसमें अब मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, मेथी, कसूरी मेथी और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और ये मैंने डाला आमचूर। और अब इसके बाद मस्टर्ड ऑयल को मैं धुआं निकलने तक अच्छे से गर्म कर दूंगी। उससे होगा क्या कि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाएगी। अब ये जो स्पाइसेस का मिक्सचर है उसमें हम इस तेल को डाल देंगे। और ये मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक जो है वो भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें एक दो ड्रॉप्स आप रेड कलर के डाल सकते हो उसको रेस्टोरेंट लुक देने के लिए। ये मैंने बेसन जो है वो भुना हुआ डाला है। भुना हुआ बेसन डालने का एक रीजन होता है कि ये जो है मिक्सचर को अच्छे से बाइंडिंग देता है। जितना मसाला है इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ पनीर। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे। वो इसलिए बिकॉज पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो अगर तीखी चीज़ से मिक्स करेंगे तो हो सकता है वो टूट जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया है। इसे आप अगर ढकना ढक कर रखना चाहते हैं तो 2 घंटे ढक करके रख दीजिए, वरना आप क्या कर सकते हो, आप उसको उसी वक्त कुक कर सकते हो। इस वक्त मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला और गैस मेरी बिल्कुल स्लो है। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी सैंडविचेस बाद में बहुत ऑयली हो जाएंगे। तो ये नॉन स्टिकी में मैंने बिना ऑयल के उसको कुक कर लिया है। और साथ ही मैं ब्रेड के ऊपर अब सॉसेस लगाऊंगी। ये मैंने पहले ली है चिली ओरेगानो, फिर मैंने ली है मिंट मेयोनेज सॉस, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये पेरी पेरी सॉस है, ये ऑप्शनल है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने डाली है मेयोनेज। तो अब हम इन्हें अच्छे से बटर के जैसे अप्लाई कर देंगे। ये सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कोई मान ही नहीं सकता कि हमने रेस्टोरेंट से नहीं लिए, घर पे बनाए हैं। और ये जो मिक्सचर है मैंने इसको एंड में नहीं रखना है, सिर्फ सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने से क्या होगा कि वो बाहर नहीं निकलेगा। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करके सैंडविच को, और हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हमारे पास ग्रिल सैंडविच मेकर हो उससे, या फिर तवे पर। मैंने दोनों तरह से आपके लिए बना दिए, तो जैसे भी आपको इजी लगता है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप बना सकते हो। ये सैंडविच हो गया हमारा रेडी। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है, कोई मान ही नहीं सकता कि इसको आपने घर पे बनाया, और टेस्ट में तो ये बहुत ही यमी होता है। अब हम अपनी चॉइस के डिज़ाइन से उसमें उसको काट सकते हैं। ये हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। आप मुझे अपने सैंडविचेस भेजना पिक्चर्स उसकी, और कमेंट करके बताना कैसे बने। थैंक यू।